हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एजुकेशन पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास के हिंदी दिगंत भागदू का काव्य खंड का सबसे प्रथम कविता कड़बक की बात करेंगे, जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित है। और इस वीडियो में कड़बक के सारे महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों पर हम लोग बात करेंगे, जो आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दिगंत हिंदी भाग टू कक्षा 12वीं का प्रथम अध्याय काव्य खंड का, जो कि कड़बक मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित है। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में अनुमानता है, कहीं कहीं 1493 1477 भी आया है, लेकिन आपके पुस्तक दिगंत भाग दू के अनुसार 1492 ही माना जाएगा, जो कि परीक्षा के हिसाब से यही डेट आपका ऑथोराइज्ड है। निधन इनका 1548 ईस्वी में अनुमानता हुआ था। उपनाम जायसी, जन्म स्थान जायस उत्तर प्रदेश रायबरेली के पास, कब्र इनका अमेठी उत्तर प्रदेश में ही है। इनकी प्रमुख कृतियों की बात की जाए तो पद्मावत, जो कि महान कथा काव्य के रूप में जाना जाता है, इस कथा काव्य पे मूवी भी बनी हुई है, शायद आपने अगर देखा होगा तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को और अच्छे से आप समझ पाएंगे। और प्रमुख कृतियों में अखरावट, आखिरी कलाम, मसला या मसला नामा है। नेक्स्ट विविध पर बात करते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण प्रेमासारई धारा के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी एक भारतीय सूफी कवि और पीर महात्मा थे, जिन्हें 15वीं शताब्दी में आम लोगों द्वारा समर्थित अवधी भाषा में लिखना पसंद था। ये जो कड़बक, दो कड़बक आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, ये दोनों का जो भाषा है अवधी भाषा ही है। मलिक अपने महाकाव्य कविता पद्मावत 1540 के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। तो चलिए आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न पर आते हैं। जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? कमद, कुमुद, सरोवर, दर्पण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, इन्होंने अपनी आंख की उपमा दर्पण से की है। प्रश्न संख्या दो पर आते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? प्रेम मार्गी शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा, राजमार्गी शाखा, कृष्ण मार्गी शाखा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रेम मार्गी शाखा। क्वेश्चन नंबर थ्री पर आते हैं। कौन सी कृति जायसी की नहीं है? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, मिर्गावती। शुरू के तीनों कृति मलिक मोहम्मद जायसी के हैं, लास्ट का जो कृति है आपका मिर्गावती, ये मलिक मोहम्मद जायसी का नहीं है। क्वेश्चन नंबर फोर पर आते हैं। पद्मावत किसकी रचना है? तो ऑब्वियसली पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। जायसी के पिता का नाम क्या था? शेख मोहम्मद, शेख ममरेज, शेख परवेज, इनमें से कोई नहीं। तो मलिक मोहम्मद जायसी के पिताजी का नाम जो था शेख ममरेज था। क्वेश्चन नंबर सिक्स। जायसी थे धनवान, पहलवान, फकीर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जायसी फकीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी भाषा, अरबी। इससे पहले मैंने आपको बताया कि जायसी की जो भाषा थी वो अवधी थी, और कड़बक भी अवधी भाषा में रचित है, पद्मावत भी अवधी भाषा में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? वात्सल रस, सिंगार रस, वीर रस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सिंगार रस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जायसी ने रतन सेन एवं पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? प्रेम द्वारा, भक्ति द्वारा, रक्त रूपी लेई द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो है रक्त रूपी लेई के द्वारा इन्होंने जोड़ा है। जब आप कड़बक अपने बुक से अध्ययन करेंगे तो उसमें पता चलेगा आपको, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। जायसी ने रतन सेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है? अपने आंसुओं से, गंगा जल से, जल से, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, अपने आंसुओं के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11। मलिक मोहम्मद जायसी कवि हैं दुख के पीर के, कृष्ण प्रेम के, अष्ट छाप के, प्रेम के पीर के।
प्रेम के पीर के कवि के रूप में ये प्रसिद्ध कवि हैं। प्रेम के पीर का मतलब होता है प्रेम में जो पीड़ा होता है उसके कवि हैं ये। तो जो पद्मावती इन्होंने लिखा है बहुत ही पीड़ा के साथ लिखा है। आइए क्वेश्चन नंबर 12वें क्वेश्चन पर आते हैं। कड़वक के कवि कौन है? कबीरदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, नाभादास। राइट आंसर मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? पुत्र वियोग, कड़बक, उषा, हार जीत। राइट आंसर ऑप्शन बी कड़बक। अगले प्रश्न पर आते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? जैसा कि आपको परिचय में इंट्रोडक्शन में बताया गया कि अनुमानतः 1492 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। जायसी किस तरह के कवि हैं? भक्त सिंह, भक्त भक्त कवि हैं, सूफी कवि हैं, श्रृंगारिक कवि हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जायसी जो है सूफी कवि हैं, इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया। क्वेश्चन नंबर 17 पर आइए। मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ था? जायस कब्र अमेठी लाहौर, जायस कब्र अमेठी हरियाणा, जायस कब्र अमेठी मध्य प्रदेश, जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी है, जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? तो जायसी जीवा दोष, नेत्र दोष, अंग दोष, श्रव दोष। नेत्र दोष से होते हुए भी ये बहुत ही गुणवान कवि थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? सरोवर की भांति, कुएं की भांति, समुद्र की भांति, नदी की भांति। तो इनका जो काव्य है समुद्र की भांति गंभीर और व्यापक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? पहले भी ये क्वेश्चन इस टाइप का आपको मिला, तो इसके जो सही जवाब है वो है मलिक मोहम्मद जायसी, मीन्स ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। कड़बक कहाँ से लिया गया है? आखिरी कलाम, अखरावट, मधुमालती, पद्मावत। तो कड़बक जो है ये पद्मावत काव्य से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं, 22 पर। कड़बक के रचयिता हैं? तो इसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? अवधि, ब्रज, खड़ी बोली, मैथिली। तो जायसी द्वारा जो पद्मावत लिखा गया था वो अवधि भाषा में लिखा गया था, तो इसकी भाषा जो है अवधि है, राइट आंसर ए है। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? सगुन कृष्ण भक्ति परंपरा, सगुन राम भक्ति परंपरा, प्रेमा खयानक काव्य परंपरा, संस्कृत काव्य परंपरा। तो इसका जो राइट आंसर है प्रेमा खयानक काव्य परंपरा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का क्या नाम था? मलिक शेख ममरेज, मलिक राजे अशरफ, मलिक ममरेज शेख, मलिक शेख मलिक ममरेज, राजे मलिक ममरेज। तो इसका राइट आंसर जो है मलिक शेख ममरेज, जिन्हें मलिक राजे अशरफ भी कहा जाता था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना की है, किससे की है? कमल से, झील से, सरोवर से, दर्पण से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दर्पण से। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। कवि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का क्या नाम था? सूफी संत अशरफ और सैयद जहांगीर अशरफ, सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, सूफी संत मोहिदी शेख और जहांगीर सैयद, सूफी संत मोहिदी शेख और जहांगीर। इसका जो राइट आंसर है सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। कवि मलिक मोहम्मद जायसी की वृत्ति क्या थी? वृत्ति का अर्थ होता है पेशा, प्रोफेशन। आराम में जायस में रहते हुए किसानी, बाद में शेष जीवन फकीरी में, बचपन में अनाथ साधु फकीरों के साथ भटकते हुए जीवन बीता, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है उपर्युक्त सभी, यानी के ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को
परीक्षा से पहले एक दो बार जरूर रिवाइज कर लें, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।